हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है चिंता चिता समान होती है। दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक व्यापारी था, वो कहीं रास्ते पे चल रहा था, उसको एक भिखारी दिखाई देता है। वो भिखारी भीख मांगते रहता है, अचानक व्यापारी को हेट करता है कि अगर ऐसी मेरी हालत हुई तो, अगर मेरा व्यापार बंद हो गया तो, मुझे भीख मांगनी पड़ी तो। वो जल्दी से अपने मुनीम को बुलाता है और बोलता है, देखो मेरे पास में कितनी संपत्ति है। मुनीम देख के बताता है कि आपकी 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती इतनी संपत्ति है। वो टेंशन में आ जाता है कि 7 पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो फिर वो क्या करने लगता है, वो सोचने लगता है, इतना सोचता है कि अल्टीमेटली वो बेड पे चला जाता है। उसका दोस्त उसको एक बार देखने आता है, तो देखते हुए कहता है कि क्या हुआ, तो वो सारी हकीकत बताता है। तो बोलता है, देख मैं तेरी 8वीं पीढ़ी का अरेंजमेंट तो नहीं कर सकता हूं खाने का, लेकिन तुझे इसका सॉल्यूशन दे सकता हूं, किसी भिखारी को रोज जाके खाना खिला दो एक टाइम का। बोलता है, वाह बढ़िया बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा। बोले, हाँ ठीक हो जाओगे। तो वो निकलता है और भिखारी को ढूंढने लगता है, उसको कोई भिखारी नहीं मिलता। फिर एक भिखारी मिलता है, उसको खाना देने के लिए जाता है, तो बोलता है, भाई खाना ले। तो भिखारी बोलता है, मेरा तो खाना हो गया। तो बोलता है, काम करिए, खाना रख ले, कल खा लेना। तो बोलता है, जिसने आज मुझे खाना दिया है वही मुझे कल खाना देगा, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। व्यापारी को हिट होता है कि मैं जो इतनी चिंता ले रहा था वो चिंता किसी काम की नहीं है। हमें आज के बारे में सोचना है, हमें कल के बारे में नहीं सोचना। अगर हम कल के बारे में सोचेंगे तो वो चिंता हमारी चिता के हो जाएगी और हम हमारे लाइफ में हेल्दी नहीं रहेंगे, वेल्दी नहीं रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे और दुखी हो जाएंगे और अल्टीमेटली चिता तक पहुंच जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज जो मैं आपको टॉपिक शेयर कर रहा हूं वो टॉपिक है कि किस तरह से अपनी चिंता से आप ओवरकम कर सकते हो और चिता पर जाने से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौशारी, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, ट्रांसफर मोटिवेशन स्पीकर और आप लोग का दोस्त। और आपको और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे उम्दा वीडियोस बनाऊं तो आपको उसकी क्या मिले, नोटिफिकेशन मिले। So, let's begin the show with positive energy. दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरह से हम अपनी चिंता से क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं और चिंता से बच सकते हैं। इसके लिए हमको एक फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। उस फॉर्मूले का नाम है म्यू पार्ट, MEWPART। अगर हमने म्यू पार्ट पे काम किया तो डेफिनेटली हम चिंता से क्या हो जाएंगे, ओवरकम कर लेंगे। तो सबसे पहला मेडिटेशन। दोस्तों, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं या रात में सोने के लिए जाते हैं, उसके पहले, आपको उठने के बाद में और सोने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, मेडिटेशन करना है, फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सारे पॉजिटिव थॉट्स को लेके आना है। सारी जो एनर्जी है, ये जो विश्व की एनर्जी है, वो पूरी अपने अंदर लेनी है और एकदम रिलैक्स रहना है। अरे हमारा कल भी चला गया तो आज भी चला जाएगा। हम जितना स्ट्रेस लेंगे हमारे लाइफ में, उतना हम क्या हो जाएंगे, हम बीमार होते जाएंगे, उतने हम कम हैप्पी रहेंगे। सेकंड पॉइंट इज एक्सरसाइज। दोस्तों, हमको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना आप चिंता से दूर रहोगे, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स क्या होते हैं, पैदा होते हैं, और हमारे अंदर से नेगेटिव हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। डेली एक्सरसाइज करोगे डेफिनेटली आप क्या रहोगे, एकदम स्ट्रेस फ्री रहोगे। थर्ड पॉइंट इज वॉकिंग। जितना हो सके दोस्तों वॉकिंग कीजिए, चलिए। जब आप चलते हैं तो आजू बाजू में जितना भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है आपको पॉजिटिविटी देता है। जितना हो सके आप पेड़ पौधों के अतराफ वॉकिंग कीजिए। तो जब आप वॉकिंग करते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। नेक्स्ट है प्रेयर। हाँ दोस्तों, प्रेयर जो एक ऐसी चीज है कि आप जिस किसी को भी मानते हो उसको प्रेयर कीजिए, उसको याद कीजिए। इसलिए नहीं कि आपको कुछ चाहिए, इसलिए कि आप उसको थैंक्स करना है, उस अलमाइटी को जिसने आपको क्रिएट किया है। जब आप थैंक्स गिविंग में आ जाते हो तो वो आपको और मौके देता है थैंक्स करने के लिए। क्योंकि अगर हमने कंप्लेन किया तो हमको मौके देगा कि मैं बीमार हूं, कंप्लेन कर रहा हूं, तो वो सोचता है कितना कंप्लेन कर रहा है, ले कंप्लेन कर। लेकिन जब हम उसको थैंक्स देते हैं कि थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर दिस फ्री एयर, फ्री वाटर, है ना, इतनी सारी जो ने मैकेनिज्म बनाया उसके लिए थैंक्स। तो हमको प्रेयर करना है, जिसको भी आप मानते हो उसको प्रेयर कीजिए, उसको याद कीजिए, उस ताकत को जिसने आपको और मुझे क्रिएट किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड लोनलीनेस। दोस्तों, स्ट्रेस में क्या होता है बताएं, कि आप जब लोनली रहते हो तो स्ट्रेस और आता है। तो आप अपने फैमिली के साथ में बैठिए, अपने माँ बाप के साथ बैठिए। दोस्तों, एक मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त का किस्सा शेयर करता हूँ। वो मुझे कहता है कि इरफान, जब भी मैं ऐसे लोनलीनेस फेस फील करता हूँ तो मैं जाता हूँ और अपने माँ बाप के पैर दबाने लगता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है। अपने बच्चों के साथ खेलो, अपने बीवी बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों को वक्त दो, उनसे बात करो। जब आप लोनली रहोगे तो आपको
स्ट्रेस आएगा, आपको चिंता आएगी, और उसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने लव्ड वन के साथ में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अ रिलैक्सेशन। हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, रिलैक्सेशन करना है जितना हो सके। जो काम में आपको अच्छा लगता है, टीवी देखने से आपको रिलैक्सेशन होता है तो टीवी देखिए, अगर कोई धार्मिक किताब पढ़ने से आपको रिलैक्सेशन होता है तो वो कीजिए, कोई कहानी की किताब पढ़ने से आपको रिलैक्सेशन होता है तो वो कीजिए, अगर आपको खेलने से रिलैक्सेशन होता है, पौधे लगाने से रिलैक्सेशन होता है, कश्ती चलाने से रिलैक्स, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो कीजिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए, उस चिंता से बाहर निकलिए। एंड लास्ट वन, टॉक टू योर लव्ड वंस। हाँ दोस्तों, अपने लव्ड वन से बात करना शुरू करो, उनको टाइम देना शुरू करो। जब आप बात करते हो ना तो आपको सोल्यूशन मिलता है। जब आप अपने माँ बाप से बात करते हो, अपने भाई बहन से बात करते हो, अपने हस्बैंड वाइफ से बात करते हो, अपने बच्चों से बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते हो, जिनसे भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा रिश्ता इसके साथ में बहुत अच्छा है, आप उससे बात करते हो तो आप अपने स्ट्रेस से कंप्लीटली बाहर निकल जाते हो, उस फेज से बाहर निकल जाते हो और आप लाइफ में क्या हो जाते हो, चिंता फ्री हो जाते हो, स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। दोस्तों, अगर आपने म्यू पार्ट को अपनी लाइफ में लाया तो मैं आप लोग को बताता हूं कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आप हर स्ट्रेस को क्या कर लोगे, ओवरकम कर लोगे। दोस्तों अगेन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपिक मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए लाता हूं, तो प्लीज प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।